बीती रात झारड़ा के समीप एक ग्राम में जघन्य हत्याकांड हुआ। दो लोगों के रक्त रंजित शव मिले हैं। पुलिस मुख्य आरोपी समधी ही निकला। समधी ने लड़की के पति और ससुर की हत्या कर दी तथा फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद झारड़ा पुलिस और FSL पार्टी मौके पर पहुंच गई। आरोपी को जीवाजीगंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। उज्जैन के महितपुर के पास झारड़ा के समीप गांव में बीती रात बेटी का घर रहने आए पिता ने दामाद और उसके पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। आज सुबह दोनों की लाश घर में पड़ी मिली। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर लिया है और ASP अंतर सिंह गणेश ने बताया कि झारड़ा के समीप ग्राम बमनई में रहने वाले नागू सिंह 52 साल और उसके पुत्र विक्रम 35 साल की लाश घर में पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम और FSL पार्टी मौके पर पहुंच गई थी। घर में दोनों बाप बेटे के शव पड़े हुए थे तथा उनको यहां रहने आए समधी भैरू सिंह निवासी बजरंग नगर उज्जैन गायब था। पुलिस के अनुसार विक्रम पत्नी मुन्नाबाई के साथ आए दिन मारपीट करता था और बेटी ने जब मारपीट की बात उज्जैन में रहने वाले अपने पिता भैरू सिंह को बताई तो 10 माह पहले वह उसके घर आकर रहने लगा था और तभी से वह वहीं रह रहा था। पुलिस के अनुसार कल रात नागो सिंह और विक्रम से उसका विवाद हुआ और इसी के चलते देर रात 2 से 4 के बीच में भैरू सिंह ने कुल्हाड़ी से दोनों बाप बेटों की हत्या कर दी और भाग गया। पुलिस ने भैरू सिंह को सुबह ही जीवाजीगंज क्षेत्र से हिरासत में ले लिया। भैरू सिंह ये जो विक्रम है मृतक है उसका ससुर है और पिछले 10 महीने से उन्हीं के साथ में रह रहा है। ये थाना झारड़ा का बबलई गांव है जो थाना से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये यहाँ मॉर्निंग में सूचना मिली थी 4 बजे कि 2 लोगों का मर्डर हो गया बबलई गांव में, तो पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस थाना प्रभारी की टीम सबसे पहले मौके पर पहुँची, उसमें जा कर के देखा तो देखा कि वहाँ पर 2 बाप बेटे, जो लड़का है जिसका नाम विक्रम सोंधिया है लगभग 34 साल का है, उसका पिताजी है नागू सोंधिया वो लगभग 55 साल का है, तो दोनों वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हैं। तो जब पूरा घटनास्थल देखा गया वहाँ से उनका जो समधी है जिसका नाम भैरू सिंह है, भैरू सिंह वो मौके पे नहीं पाया गया उस समय, जबकि वो पिछले 10 महीने से उन्हीं के साथ में रह रहा था, तो वहाँ से मिसिंग पाया गया। तो उसी के आधार पर फिर उसकी तलाश की, संभवतः उसी के द्वारा मर्डर किया है ये मान करके आगे फिर एक टीम चित्तौड़गढ़ भेजी गई, एक टीम उज्जैन भी भेजी गई। वहाँ से डायरीज में कुछ नंबर भी मिले, उन नंबरों पे इसकी घटनाक्रम की पूरी सूचना दी गई। उसी के आधार पे एक आरोपी जो भैरू सिंह आरोपी है उसको उज्जैन से जीवाजीगंज थाना क्षेत्र से उसको उज्जैन पुलिस के द्वारा पकड़ लिया, उसको